Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारत में जारी किसानों का आंदोलन अब दुनिया में सुर्खियां बटोर चुका है। पॉप स्टार रिहाना की आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करने के बाद कई ग्लोबल सेलिब्रिटी ने इस मसले पर अपनी बात रखी है, जिसके बाद भारतीय राजनीति में भी हलचल जारी है। इस सबसे इतर ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने हाल ही में कुछ उन ट्वीट्स को लाइक किए हैं जिनमें किसान आंदोलन के हक में बोलने के लिए रिहाना की तारीफ की गई है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की पत्रकार कैरन ने हाल ही में रिहाना की तारीफ में कई ट्वीट किए। कैरन के द्वारा रिहाना की तारीफ की गई। उन्होंने भारत में कई महीनों से जारी किसानों के आंदोलन के हक में अपनी आवाज़ उठाई है। कैरन ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि रिहाना ने कई आंदोलनों को लेकर सूडान, नाइजीरिया और अब भारत के मसले पर अपनी बात को कही है। रिहाना की तारीफ वाले इन्हीं कुछ ट्वीट को ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने भी लाइक किया है। आपको बता दें कि वाशिंगटन पोस्ट की पत्रकार द्वारा इससे पहले अपील की गई थी कि ट्विटर को भारत में जारी किसानों के आंदोलन पर सोशल स्पेशल इमोजी निकालनी चाहिए, जैसा कि अमेरिका के ब्लैक लाइफ मैटर्स के वक्त किया गया था। जैक डॉर्सी ने इस ट्वीट को भी लाइक किया था। आपको बता दें कि रिहाना के अलावा क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रिश्तेदार मीना हैरिस ने भी किसानों के हक में अपनी आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद भारत में काफ़ी बदलाव बवाल हुआ। भारत के विदेश मंत्रालय ने किसान आंदोलन को एक आंतरिक मसला बताया और किसी भी बाहरी टिप्पणी पर आपत्ति जताई। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जिसका विरोध जरूरी है। किसी को भी बिना किसी जानकारी के कोई कमेंट नहीं करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान के बाद भारत की कई सेलिब्रिटी ने भी इसके समर्थन में ट्वीट किया। क्रिकेट जगत हो या फिर बॉलीवुड, हर बड़ा सेलिब्रिटी भारत के खिलाफ किसी भी तथाकथित विदेशी प्रोपेगेंडा का विरोध करता हुआ नजर आया। गौरतलब है कि ट्विटर कई बार भारत में विवादों में रह चुका है। हाल ही में किसानों आंदोलन से जुड़े एक विवादित हैशटैग को लेकर भारत सरकार ने आपत्ति जताई थी, लेकिन ट्विटर ने कुछ अकाउंट्स को बैन नहीं किया था, जिस पर भारत सरकार ने ट्विटर को अंतिम चेतावनी देते हुए एक्शन लेने की बात भी कही थी। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.